लो उपनंद, सेना के साथ जाओ और आक्रमण कर दो उस नंद पर। लो विजय भव। उपनंद की जय। उपनंद की जय। उपनंद की जय। साथियों, आप सबसे आग्रह है, आप सब लोग चिंतित मत होइए, अपने अपने घर में जाइए और सो जाइए। मैं अपने वृंदावन में रक्तपात नहीं होने दूंगा। मैं अभी भ्राता उपनंद के पास जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा वो इस युद्ध को समाप्त कर दे। जाइए आप लोग, यहाँ कोई युद्ध नहीं होगा। जाइए। हे ईश्वर, किसी प्रकार से भी ये युद्ध टल जाए, राताश्री को ये समझ में आ जाए कि युद्ध से किसी का भी भला नहीं होता। भाई भाई में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आज हमारा कान्हा यहाँ होता तो ये समस्या इतनी बढ़ती ही नहीं। पता नहीं कहाँ होंगे हमारे कान्हा और बलराम। श्री हरि कर कि वो दोनों राधा को अपने साथ ही ले आए। साथियों, हमारी हवेली को चारों ओर से घेर लिया गया है। ये क्या हो रहा है? यशोदा, तुम शीघ्र शीघ्र महिलाओं को लेकर भीतर जाओ। शीघ्र शीघ्र जाओ। शांत हो जाइए आप लोग, ये क्या नर्स कर रहे हैं आप लोग? शांत हो जाइए। प्रांताश्री, प्रांताश्री, मैया क्या हुआ काना? दाऊ, वृंदावन में अब तक समस्या टली नहीं है और हम हमारे परिवार और गांव वालों से इतनी दूर है कि हम उनकी सहायता भी नहीं कर सकते। और दाऊ, हमें शीघ्र अति शीघ्र ये कार्य पूर्ण करके वृंदावन जाना होगा। भ्राता उपनंद, हम सबको छोड़ दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे साथ साथ पूरे वृंदावन वासियों को कष्ट देने से पूर्व एक बार तो सोचा होता आपने। जब मेरे साथ अन्याय हुआ तो इनमें से किसी ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा, तो फिर मैं क्यों उनके विषय में सोचूं? ये पद आपका नहीं हो सकता क्योंकि आप इसे बलपूर्वक हटा रहे हैं। ये सिंहासन तो भ्राता नंद का है, जिन्हें गांव वासी अपने हृदय से प्रमुख मानते हैं। ईश्वर का थोड़ा भय रखिए। मैं नहीं रुकूंगा संयुक्ता। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेरे साथ यहाँ बैठना चाहती हो या फिर इन सब की तरह मेरे आक्रोश का कारण बनना चाहती हो। ये मेरे जीवन की पहली विजय है और एक पत्नी के रूप में तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। भला इसी में है कि तुम मेरा आग्रह मान लो। मेरे आग्रह का विरोध करने वालों की दशा तुम देख ही रही। ये आपकी जीत नहीं है राताश्री, बल्कि संबंधों की पराजय है। और इसका प्रमाण आपको स्वयं श्री हरि देंगे। जब तक आपकी आंखों से लोक की पट्टी नहीं हटती, तब तक मैं अन्य का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी।